पीएम मोदी आज विश्व को समर्पित करेंगे भव्य धाम। तीनों लोकों से न्यारी काशी की धारा पर मां गंगा को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुआ श्री काशी विश्वनाथ धाम विश्व को समर्पित करेंगे। दो दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे पीएम काशी की कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेकर पतित पावनी गंगा का दर्शन एवं स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ के अलौकिक परिसर के स्वागत में पूरी काशी शिव दीपावली की तैयारी में है। यहां प्रमुख संप्रदायों की संतों की मौजूदगी महादेव का अनुष्ठान प्रारंभ होगा। करीब सवा घंटे तक गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी मंदिर चौक पर संतों और प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में स्वर्ण शिखर को निहारते हुए आयोजित कार्यक्रम में स्थान ग्रहण करेंगे। यहां संतों के संवाद के बाद पीएम जलमार्ग से ही संत रविदास घाट से बरे का अतिथि गृह लौट जाएंगे। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था देश के 51,000 स्थानों पर की गई है। इसमें 27,000 स्थान यूपी के हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को सड़क चौराहे बनारस की गलियों से लेकर शहर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। सरकारी भवनों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सजावट की गई है। कैंट रेलवे स्टेशन, मंडुआ डी रोडवेज बस स्टैंड BLW को सजाया गया है। इसके अलावा लोगों ने स्वयं से अपने घरों पर सजावट की है। इसके अलावा ओवर ब्रिजों को भी चमकाया गया है। इन पर नए तरीके से रंग रोपण किया गया है। SPG ने संभाली सुरक्षा व्यवस्था की कमान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की कमान SPG ने संभाली है। शुक्रवार को विश्वनाथ धाम में ASL की बैठक में SPG और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा। सुबह से लेकर शाम तक SPG अधिकारियों ने कई चक्र में कॉरिडोर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को धार दी। इस दौरान VVIP व VIP रूट, गंगा घाट के रास्ते, कार्यक्रम स्थल, रूप ऑफ ड्यूटी स्थल सहित सुरक्षा पॉइंट से जुड़े सभी बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 व 14 दिसंबर को शहर में रहेंगे। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी आगमन काशी में हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम सहित अन्य निर्धारित किए गए कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे।